भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता जो अक्सर टीवी पर बेबाकी से पार्टी का बचाव करते दिखता है वो है संबित पात्रा। संबित पात्रा ओडिशा के हैं, लेकिन हिंदी भाषी चैनलों की बहस में लगातार भाग लेकर भाजपा का पक्ष रखते हैं। एक नेता और हैं जिसकी बेबाकी देखकर लोग उसको लेडी संबित पात्रा कहने लगे हैं। आइए जानते हैं कि वो नेता कौन है और क्या करती है। दोस्तों, हम जिस खूबसूरत महिला नेता की बात कर रहे हैं उसका नाम शुभ्रस्ता सिखा है। शुभ्रस्ता भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रणनीतिकार है। वो अलग अलग राज्यों के लिए भाजपा को चुनाव जिताने में योगदान देती है और वोटरों को लुभाने के लिए अपनी टीम के साथ मिलकर योजना और रणनीति बनाती है। शुभ्रस्ता, जिसका जन्म पटना में हुआ था और वो दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी की है। शुभ्रस्ता ब्राह्मण परिवार में 29 सितंबर 1987 में पैदा हुई। पटना शहर में जन्मी 31 साल की शुभ्रस्ता ने शुरुआती पढ़ाई वहां करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। यहां बीए करने के बाद फिर उसने मिरांडा हाउस में अंग्रेजी विषय में एमए की डिग्री हासिल की। शुभ्रस्ता ने बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ काम शुरू किया था। उसने जून 2013 में केक संस्था बनाई जो राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाती है। दोनों ने मिलकर भाजपा के लिए नॉर्थ ईस्ट में रणनीतियां बनाई और पार्टी को सफलता भी मिली। वो अक्सर टीवी पर भाजपा का पक्ष बड़ी बेबाकी से लेते नजर आती है, इसी वजह से लोग उसको लेडी संबित पात्रा कहने लगे हैं। शुभ्रस्ता ने जब कुछ कारणों से प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया तो उसको एक युवक रजत सेठी ने अपनी टीम में बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर काम किया। इसी दौरान शुभ्रस्ता का अपने ही बॉस रजत से अफेयर हो गया। बाद में दोनों ने 2016 में शादी कर ली। रजत आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं और कानपुर के रहने वाले हैं। दोनों इस समय भी भाजपा के लिए रणनीति बनाते हैं।